हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पोको M2 की, जिसको मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट से। और ये स्मार्टफोन मुझे पड़ा है 8,499 रुपीज़ का, क्योंकि मैंने इस पर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है। अगर आप भी इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पर अभी दिवाली सेल चल रही है, जिसमें आपको एक बहुत ही बड़ा ऑफर देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन को आप भी बाय कर सकते हैं 8,499 रुपीज़ में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट टेक वीडियोस के लिए। तो गाइज, ये है इसकी कुछ पैकेजिंग। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें एक केसिंग देखने को मिल जाती है, जिसमें कुछ यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिलती है। और इसी के साथ इसमें आपको देखने को मिलती है एक सिम इजेक्टर पिन। तो इसको रखते हैं साइड में। और अब आता है हमारा डिवाइस, जो कि ब्लू कलर का है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइज, ये क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है और देखते हैं बॉक्स के साथ क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो इसके साथ एक टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है और इसके साथ मिलता है एक 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर। लेकिन गाइज, ये स्मार्टफोन 18 वॉट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में जो आपको 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर देखने को मिल जाता है। तो अब करते हैं अब अपने स्मार्टफोन को बूट अप और इसी के साथ देखते हैं इसकी फिजिकल ओवरव्यू, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो इस स्मार्टफोन में फ्रंट साइड में देखने को मिलती है 6.53 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले, जो कि काफ़ी ब्राइट है। तो इसके बॉटम में देखने को मिलता है 3.5 mm हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। तो गाइज, अगर बात करें साइड की तो यहाँ पर आपको दिखती है सिम ट्रे, और जो इसका टॉप है वहाँ पर हमको देखने को मिलता है एक IR ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक्रोफोन। बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसके साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम रॉकर और पावर की। तो गाइज, चलिए इसको करते हैं बूट अप। ये मेरे पास 6 GB और 64 GB वाला वेरिएंट। और गाइज, जो इसकी बैटरी कैपेसिटी है वो है 5000 mAh की, जो कि 10 वॉट के नॉर्मल चार्जर के साथ आती है। तो गाइज, ये स्मार्टफोन MIUI 11 पर बेस्ड है और इसमें आपको काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। सो गाइज, अगर आप इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप फ्लिपकार्ट की डायरेक्ट साइट से इसको बाय कर पाएंगे। और अगर आपके पास है एक्सिस बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड तो उसमें आपको इंस्टेंट 2000 रुपीज़ का और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोज़ के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।